मुल्क भर में तालीमी इदारे कब खुलेंगे? वफाकी वजीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम सर जोड़ कर बैठ गए। 25 जनवरी से दरसगाहें मरहलावार खोलने की तजवीज़ पर गौर। सिंध की भी 3 मराहल में स्कूल खोलने की सिफारिश। कौमी इदारा सेहत की 2 अफराद में कोरोना की नई किस्म की तस्दीक। दोनों पाकिस्तानियों ने हाल ही में बरतानिया का सफर किया था। नया वायरस दुनिया के 31 मुल्कों में पाया गया। नए वायरस के ज्यादा मोहलिक होने के शवाहिद नहीं मिले। NIH। कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 39 अफराद जान से गए। अब तक 10,350 अमवात, 1,895 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,88,529 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 35,722 हो गई। ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन कराने का मामला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज सदारती रेफरेंस की समाअत करेगा। खुफिया वोटिंग से इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं। हुकूमती मौकफ। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, शहबाज शरीफ और हमजा लाहौर की एहतसाब अदालत पेश। शहबाज शरीफ का वकील पेश ना होने पर अदालत का बरहमी का इजहार। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर की एक बार फिर मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा। हुकूमती तर्जमान सुबह शाम सफाइयां देने में मसरूफ हैं। हर तरफ महंगाई की दुहाई। ना अहल हुक्मरानों की वजह से आवाम का जीना दूभर हो चुका। हुकूमत नवाज शरीफ के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रही है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। बहावलपुर में सिर्फ PDM का शो था, पावर नहीं थी। मरियम साहिबा बताएं जनूबी पंजाब को किसने महरूम रखा। शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। भारत के बयानिए से मुताबिकत रखने वाले क्या कौमी खिदमत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी। इमरान खान 31 जनवरी से पहले इस्तीफा देंगे ना ही बाद में। PDM जमातें एक दूसरे से हाथ कर रही हैं। सेनेट और आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। चौधरी सरवर की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातों में गुफ्तगु। PTI हुकूमत ने जनूबी पंजाब को नई शनाख्त दी। साबिक हुक्मरानों ने आवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया। पसमानदा इलाकों में पहली बार हकीकी तरक्की का सफर जारी है। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार। कोरोना की दूसरी लहर, मुश्किल वक्त, पहले की तरह सुरखरू होंगे। SOPs पर अमल करके ही वायरस से बचा जा सकता है। MT Act में निजकारी का कोई जिक्र नहीं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन। इंतजामिया का एक्शन। महमूदाबाद नाले पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। 8 जनवरी तक काम मुकम्मल करने का टारगेट। डेडलाइन गुजर गई। कराची सर्कुलर रेलवे का दूसरा मरहला ऑपरेशनल ना हो सका। गुलबाई औरंगी समेत मुतादित स्टेशन पर तजीनो आराइश का काम नामुकम्मल। शहरियों को सिटी ता औरंगी टाउन ट्रेन चलने का इंतजार। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। टिकट्स वगैरह कम लेते हैं जो यहाँ से लांडी जाने वाले हैं। गुलबाई से जो लांडी वाले जाने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है सुकून से पहुंच जाएंगे। अब ट्रैफिक का हाल देख रहे हैं, लोग लटके हुए हैं। जल्द से जल्द होना चाहिए, ये निज़ाम अच्छा हो जाएगा। गुलबाई से माड़ीपुर तक, माड़ीपुर तक अपने घर तक पैदल चलना पड़ता है। वहाँ से आने वालों को भी यही दिक्कत है। 18 बसें चल रही हैं, उससे अच्छा तो रेलवे है। ये रेलवे पे सुकून से बैठ के तो जाएंगे। यहाँ पे ना बस वाले जो है ना सही उतारते हैं, चलते चलते गाड़ी से लेडीज को भी उतार देते हैं, मर्दों को भी ना रोकते हैं ना कुछ। मैनचेस्टर से इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट जा रही है और जहाज़ की कैपेसिटी जो है वो 371 है, लेकिन खुशकिस्मत पैसेंजर हैं एक ही कि वही सिर्फ जा रहे हैं और जो है ना बाकी 370 सीटें खाली हैं।
ऐसा भी होता है, कौमी एयरलाइन को मैनचेस्टर से इस्लामाबाद आने वाला एक मुसाफिर 3 करोड़ रुपए में पड़ गया। 371 सीटों की गुंजाइश वाली परवाज में सिर्फ एक शख्स सवार। पीआईए की मुतबादिल एयरलाइन के तैयारे में गुजरात के शहरी की वापसी। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद, मैं हूँ फिजा जमाल। मैं हूँ उसैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज इस सवाल के साथ कि तालीमी दारे खुलेंगे या मजीद बंद रहेंगे, फैसला कुछ देर बाद मुतवक्के है। शफकत महमूद की जेर सदारत पैनल सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। पहले मरहले में प्राइमरी स्कूल्स 25 जनवरी से खोलने की तजवीज सामने आई, जरा ये बता रहे हैं, जबकि दूसरे मरहले में 4 फरवरी से मिडल और सेकेंडरी स्कूल्स खोलने की तजवीज दी गई है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज इस्मा शौकत से। जी इस्मा। जी बिल्कुल, बैन सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। ज़ेर सदारत वफाकी वज़ीर बराए तालीम के ये इजलास हो रहा है, जिसमें तमाम वज़रा जो हैं सुबह के वो इसमें शामिल हैं। इजलास में हुकूमत पंजाब के तालीमी इदारे मरहला वार 25 जनवरी से खोलने की तजवीज़ ज़ेर गौर आ गई है। पहले मरहले में मुल्क भर के सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल 25 जनवरी को खोलने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसके अलावा दूसरे मरहले में 4 फरवरी से मिडिल सेकेंडरी स्कूल खोलने की तजवीज़ ज़ेर गौर, और तीसरे मरहले में सेकेंडरी और इसके मुसावी तालीमी इदारे खोले जाएंगे, लेकिन हतमी फैसला कुछ ही देर में किया जाएगा। जी शुक्रिया इस्मा तफसीलात देने के लिए। मास्क पहने, अपना ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना हर रोज कीमती जाने निगलने लगा। 24 घंटे के दौरान 39 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 10,350 तक पहुंच गई, जबकि 1,895 नए मरीज भी सामने आ गए, जिससे मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 35,722 तक पहुंच गई। बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचने वाले 2 पाकिस्तानियों में नई किस्म की तस्दीक हो गई है। कोरोना का दूसरा स्पेल ज्यादा खतरनाक। एनसीओसी के मुताबिक मोहलिक वायरस गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 39 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। अब तक अमवात की तादाद 10,350 हो गई। कोरोना के 1,895 नए मरीज भी सामने आ गए हैं। 4,88,529 शहरी वायरस से मुतासिर हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,18,597, पंजाब में 1,40,714 शहरी मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 59,484, बलोचिस्तान में 18,247 और इस्लामाबाद में 38,263 लोगों में वायरस की तस्दीक हुई। आज़ाद कश्मीर में 8,357 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,867 शहरी मोहलिक वायरस की जद में आए। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर मुश्किल वक्त पहले की तरह सुरखरू होंगे। डॉक्टर्स और अस्पताल अमले के रवैयों को मॉनिटर कर रहे हैं, अद्वियात ना मिलने की शिकायत पर सख्त एक्शन होगा। बहुत मुश्किल वक्त है, हम उस मुश्किल वक्त में से अल्लाह ताला खैर रखे, खुदा करे कि आसान तरीके से जैसे पहले निकले हैं इंशाल्लाह अब भी निकलेंगे। मरीज जब आए तो मरीज के साथ क्या रवैया होना चाहिए डॉक्टर्स का, नर्सेस का क्या रवैया होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ का क्या, उसके ऊपर मैंने इनको कहा आपने कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि हम इसके ऊपर बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नंबर 2, 40 अरब रुपए हुकूमत पंजाब खर्च कर रही है दवाइयों पे। बड़ी तकलीफ़ होती है जब लोग शिकायत करते हैं कि दवाई नहीं मिल रही, तो मैंने इनसे कहा है कि अगर हमें कोई शिकायत आई कि दवाई अस्पताल से बाहर से मंगाई जा रही है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। तीसरी इंपॉर्टेंट, कराची से आपको अहम खबर दें, रेंजर्स की पुरानी सब्जी मंडी में कार्रवाई हुई, जिसमें लियारी गैंग वॉर का कारंदा गिरफ्तार हुआ। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम वसीम उर्फ भाया गैंग वॉर उस्ताद अली मक्सी ग्रुप का कारंदा था। मुलजिम स्ट्रीट क्राइम्स और डकैती के मुख्तलिफ वारदातों में भी मुलविस रहा। शुएब बुखारी से तफसीलात मालूम कर लेते हैं। शुएब, तर्जमान रेंजर्स इस गिरफ्तारी से मुतालिक क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, पुरानी सब्जी मंडी के करीब जो रेंजर्स ने आज अहम कार्रवाई की, जहां से अहमद अली मक्सी ग्रुप का ये कारिंदा गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने 7 दिसंबर को साथियों के हमरा बहादुराबाद में बिल्डर को भर्ती की पर्ची दी थी, जबकि वारदात के वक्त मुलजिम और साथियों के पास असला और दस्ती बम भी मौजूद था। और इसके साथ साथ मुलजिम गिरफ्तार जो मुलजिम है वो पीआईबी कॉलोनी में दुकान पर फायरिंग ने भी मुलविस के, और साथ तर्जमान रेंजर्स इनका ये कहना है कि मुलजिम का एक साथी चंद्र उस कबल सिटी डिवीजन पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। अब मुलजिम के खिलाफ जो मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया शुएब।
आगे बढ़े और आपको बताएं, हसन इकबाल ने कहा इमरान खान 31 जनवरी से पहले इस्तीफा दें और घर जाएं, तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। नाअहल हुक्मरानों को घर भेजना 22 करोड़ आवाम की जरूरत है, वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।